नमस्कार डूट योर सेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास एक बहुत ही अलग प्रयोग लाई हूँ। ये है मेरा ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी मैंने कैसे बनाई है मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ये ज्वालामुखी प्रयोग के लिए आपको चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, सिट्रिक एसिड वो भी आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान में, पानी और कोई एक सामग्री जिससे आप ये ज्वालामुखी बना सके। मेरा मैंने क्ले फॉर्म से बनाया है, तो आप फॉर्म क्ले ले सकते हैं, फॉर्म क्ले ले सकते हैं या सिल्क क्ले भी ले सकते हैं, जिससे आप ये इस तरीके का पहाड़ बनाएंगे और फिर मध्य में होल कर देंगे। मध्य में आप ये पाउडर डालेंगे और फिर पानी डालेंगे तो ये ज्वालामुखी जो है वो फूटता ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि झाग जिधर से भी जगह मिले वहाँ से झाग बाहर आ रहा है। अभी झाग कम हो गया है, शायद उसमें से पाउडर ख़त्म हो गई है। मैं और पानी डाल के देखती हूँ, शायद ये झाग इसमें कम आ रहा है क्योंकि पाउडर ख़त्म हो गया है। तो मैं पाउडर इसमें डालती हूँ। तो ये मेरे पास फनल है पाउडर डालने के लिए। तो ये जो पाउडर है ये मैंने बनाया, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड ये दोनों सम हिस्से में लेकर, सम भाग में लेकर आपको इस, ये देखिए पाउडर से पूरा भर दिया मैंने अंदर तक इसको। और फिर आप जब इसमें पानी डालेंगे तब ये ज्वालामुखी फूटता ही रहेगा। ये देखिए मैंने ये अभी एक प्लेट में रखा है क्योंकि पानी बाहर नहीं आना चाहिए इसलिए। तो अभी ये बिल्कुल बहुत पानी हो गया है तो ये तैरते चिद्धी भी जैसे लग रहा है। पर आपको अगर ज़्यादा झाग चाहिए तो आप बर्तन मांजने की जो पाउडर होती है वो भी डाल सकते हैं इसमें, या फिर अगर आप खाद्य रंग डालें तो ये रंग बिरंगी भी हो जाएगा। तो इस तरीके का अलग अलग प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं ये ज्वालामुखी जैसे फूटता ही जा रहा है। तो ऐसे प्रयोग मुझे बहुत ही पसंद है, बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग प्रकार का प्रयोग है। देखिए मैं और पानी डाल रही हूँ तो जहाँ से भी झाग को जगह मिले वो नीचे ही आते जा रहा है। प्रयोग कर सकते हैं, बहुत हटके प्रयोग है ये। मुझे आप बताइए आपको ये सुझाव कैसे लगा, आपको ये तरकीब कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा। लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और नीचे कमेंट्स में लिखिए आप और ऐसे कौन से प्रयोग देखना चाहेंगे। अगली बार मिलते हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और अलविदा।